हाउ आर यू दोस्तों, कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है न्यू बिहेवियरिज्म, नौकरदारी मकतबा फिक्र। दोस्तों, ये स्कूल ऑफ थॉट जो कि बिहेवियरिज्म के मुकाबले में वजूद में आया था, तो ये मकतबा फिक्र के जो अहम नाम हैं, अहम साइकोलॉजिस्ट हैं, उनमें गुथरी, हुल, टालमैन और स्किनर के नाम सरे फहरस्त हैं। इन साइकोलॉजिस्ट की जो कंट्रीब्यूशंस हैं वो सबसे अहम जानी जाती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गुथरी की। तो उसका कहना था कि साइंस को मरूजी और काबिल मुशाहदा हालात का मुतालिया करना चाहिए, ठीक है। तो उनका कहना था कि साइंस को, नफ्सियात को, जो नफ्सियात के साइकोलॉजिस्ट हैं, माहिर साइकोलॉजिस्ट हैं, इनको चाहिए कि उन चीज़ों का मुतालिया करें कि जो मरूजी हों, ठीक है, जिनको हम बहुत आसानी से अपनी तहरीर में, अपने मकसद में, अपने ऑब्जेक्ट में ला सकें, और जिनका जो जिनकी ऑब्जर्वेशन जो है वो क्लियरली की जा सके। नफ्सियात का काम ये है कि महेजाज से पैदा होने वाली अजलाती हरकत, यानी कि ऑर्गन्स की मूवमेंट और अजवियाती जवाबी फेल का मुतालिया करे, और जो बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स हैं उनका मुतालिया करे। कि नफ्सियात का काम ये है कि अगर किसी स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में कोई अजलात हैं हमारे, जो ऑर्गन्स हैं, वो हरकत करते हैं किसी भी चीज़ के रिस्पॉन्स में, उनकी स्टडी करे। ये है नफ्सियात का काम, साइकोलॉजी का काम। और जो हमारे जो बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स होते हैं, जो हमारे इनर बॉडी में होते हैं, उनका मुतालिया करे। ये है नफ्सियात का काम, ये गुथरी के मुताबिक। इसके बाद आते हैं क्लार्क हुल। तो उसका ख्याल है कि ज़हनी मज़ाहर की वजाहत करनी चाहिए कि हमारा जो जहन है, हमारा जो दिमाग, माइंड है, वो किस तरह से इन हमारे जो माहौल के, जो नेचर के, या हमारी दूसरी जो ज़ाती ज़िंदगी है, इनके जो मज़ाहर हैं, इनके जो सीन हैं, इनके हालात को किस तरह से रिसेप्ट करता है, इसका मुतालिया करना चाहिए। क्लार्क ने महेज और जवाबी फेल की तकवीत का नज़रिया पेश किया, स्टिमुलस रिस्पॉन्स रिइंफोर्स मिनट थ्योरी। तो क्लार्क हुल के मुताबिक कि इंसान इसलिए कोई चीज़ सीखता है कि जब उसके सामने कोई महरक हो, उस महरक से उसे कोई तकवीत, उसे कोई तस्कीन मिले, तो वो उस काम का रिस्पॉन्स देता है। उसने कहा कि अमोजिश में महरक भी अहम है, कि अगर महरक कोई हमारी ज़रूरत किसी भी अमोजिश में, लर्निंग में ना हो, तो हम वो नहीं करते, लेकिन तकवीत के बगैर तो अमोजिश हो ही नहीं सकती, क्योंकि अमोजिश की, रेनफोर्स की, तकवीत की, तस्कीन की बहुत सी इकसाम होती हैं, ठीक है, जिसमें ज़हनी तस्कीन होती है, नफ्सियाती तस्कीन होती है, ठीक है जी, जिसमें कि हमने वो पढ़ा था पिछले टॉपिक में कि नफ्सियात दो बुनियादी ज़रूरियात होती हैं, और सानवी बुनियादी में आ जाती हैं हमारी ज़रूरियात, के जिसमें नींद आ जाती है, भूख आ जाती है, प्यास आ जाती है, और सानवी में आ जाती है हमारी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वगैरह आ जाती है, ठीक है, कि जिसमें हमारी ज़िंदगी की जिस तरह से मोहब्बत, प्यार है, ये सब चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। तो तस्कीन की डिफरेंट किस्म होती हैं। तो उसने थारन डैग के कानून तासर को, जिसे वाटसन ने रद्द कर दिया था, अपने नज़रिए में शामिल किया। तो इसने बहुत सी जो चीज़ों को अपने नज़रिए में शामिल किया था कि जो बिहेवियरिज्म के जो पैरोकार थे, जो कि सबसे अहम वाटसन थे, क्योंकि जो बिहेवियरिज्म है उसके रूह रवां तो सबसे जो अहम नामवर है वो जे बी वाटसन का ही है। तो इसके बाद आते हैं एडवर्ड टालमैन। तो टालमैन के ख्याल में हमारा करदार बा मकसद होता है। तो जाहिर सी बात है कि हम जो भी, कोई भी अमल जब हम करते हैं तो उसका कोई ना कोई रिस्पॉन्स होना चाहिए। बगैर रिस्पॉन्स से तो हम कोई भी काम नहीं करते, क्योंकि
जी, कोई भी हम जब काम करते हैं तो उसमें से या तो हमारी जो बुनियादी ज़रूरत उसमें से पूरी होती है, और या आसानवी ज़रूरियात होती हैं, या हयातियाती ज़रूरियात उसमें पूरी होती हैं, और या नफ्सियाती होती हैं। तो कोई ना कोई मकसद तो ज़रूर होता है। हम मौजे से हम मकसद तक पहुंचने के ज़रिए सीखते हैं, ठीक है जी। टालमैन ने भी अपना ताल्लुक़ सिर्फ़ ख़ारजी किरदार से रखा। इसका कहना था कि हर वो दाखिली शय जिसका खारजी तौर पर मुशाहदा मुमकिन नहीं, वो साइंस के ज़मरे में नहीं आ सकती। तो एडवर्ड टालमैन है, ये भी जो बिहेवियरिस्टिक जो जे बी वाट्सम है उसके जो बहुत से नज़रियात है उसका फॉलोअर था। टालमैन ने पहली मरतबा इंटरवेनिंग वेरिएबल का तसव्वुर पेश किया। उसका कहना था कि इन मदाखलती मतगैरात का मुशाहदा बराह रास्त मुमकिन नहीं, लेकिन वो ये कहता था कि इनका जो बराह रास्त इनका तजिया बहुत मुश्किल है, इसलिए इन्हें आज़ाद और ताबिया मतगैरात के साथ वाबस्ता करना ज़रूरी है। एडवर्ड टालमैन ने वकूफ़ी नज़रिया अमोज से भी मुतारफ़ कराया, जिसने थारनडे के कानूनी तासर को रद्द किया और कहा कि अमोजिश में अनाम यानी तकवीर का करदार कम है। टालमैन ने अमोजिश में अदराक और महरकात पर जोर दिया। इसने कहा कि मुख्तलिफ जानवरों में मशरूतियत का अमल मुख्तलिफ होता है और एक ही जानदार मुख्तलिफ अंदाज में सीखता है। तो देखें, जैसा कि यहाँ पर ये वो बात कर रहा है कि हमारी ज़िंदगी में एक वक्त में हज़ारों किस्म के जो महेजात हैं, जो स्टिमुलस हैं, वो वाकयात होते रहते हैं। आप मिसाल लीजिए कि हमारे स्पोर्ट्स के खेलों के 10 चैनल हैं, तो 10 चैनल के ऊपर ही डिफरेंट किस्म के जो मैचेस लगे होते हैं, कहीं पर हॉकी का होगा, कहीं पर फुटबॉल का होगा, वॉलीबॉल का होगा, स्क्वैश का होगा, ठीक है जी, कबड्डी होगी। तो 10 चैनल के ऊपर डिफरेंट किस्म के जो खेल हैं वो दिखाए जा रहे होंगे बेक वक्त। तो हम 10 के 10 नहीं देखते, और ना ही हमारे शौक़ में, हमारी हॉबी में 10 के 10 मैच होते हैं। हमारी हॉबी में, हमारे शौक़ में सिर्फ़ एक होगा, कोई शख्स होगा वो क्रिकेट पसंद करेगा, कोई हॉकी करेगा, कोई कबड्डी करेगा, कोई शख्स किसी चीज़ को करेगा, ठीक है। तो हर किसी के सीखने का, ज़ाहरी सी बात है, जो शख्स अगर हॉकी का मैच देख रहा होगा तो उसमें जो टेक्निक्स यूज़ होती हैं, उसके जो जिस किस्म के वो जो खिलाड़ी खेल पेश करेंगे, जो वो हरकत करेंगे, जिस तरह से वो अमल, जो अमल भी वो करेंगे, तो क्या जो देखने वाले होंगे, जो सामईन होंगे, ठीक है, जो देखने वाले होंगे, तो वो उसी तरह से उसको परसेप्ट करेंगे। वो चीज़ें उसमें से, जैसे कि आमतौर पर कि जो फुटबॉलर खिलाड़ी हैं, अगर वो अपने सर के अंदर से एक थोड़े से बाल को छोड़ते हैं, बाकी सारी टिंड करा लेते हैं, तो क्या करते हैं कि जो लोग फुटबॉल को पसंद करते हैं वो वैसे ही करते हैं, ठीक है। कोई सर के अंदर जो है थोड़े से बाल ऊपर को खड़े कर देगा, तो देखने वाला क्या करेगा कि वही वो उसको परसेप्ट करेगा, वो उसका अदराक करेगा। तो हर किसी के सीखने का जो तरीका होता है वो अलग होता है, मुख्तलिफ अंदाज होते हैं, मुख्तलिफ तरीके होते हैं। तो एडवर्ड टालमैन के मुताबिक हर एक जो जानदार होता है वो मुख्तलिफ अंदाज में सीखता है, कि हर किसी के सीखने का तरीका एक नहीं होता। स्किनर, B.F. स्किनर, स्किनर का तरीका का तजर्बाती था। इसका कहना है कि इंसानी अजविया की एक मिसाल एक मशीन की तरह है, जो दूसरी मशीनों की तरह कानून की पाबंद है। तो इसने कहा है कि इंसान, इंसान का जो जहन है, इंसान, ये सब चीज़ें एक मशीन की मानद है। इसका कहना था कि खारजी माहौल के जमन में फ़र्द के जवाबी अफ़ाल के बारे में पेशन गोई की जा सकती है। किन्नर ने वाहद मामूल का तरीका इस्तेमाल किया, ठीक है। तो स्किनर ने बहुत से जो हैं वो तजर्बात किए हैं, ठीक है जी, जिनमें से आगे हम जिक्र करते हैं। स्किनर ने भी नफ्सियात को करदार की साइंस करार दिया। इसके नज़दीक करदार दो तरह का है, यानी कि ये जो स्किनर है ये भी ऑर्गन की हरकत, जो ऑर्गन की मूवमेंट ऑफ ऑर्गन है, इसका फॉलोअर है। ये भी जो इनर इंसान के अंदर इनर की जो मूवमेंट होती हैं,
जो इंसान की अंदर की जो डिज़ायर्स हैं, अंदर की जो इमेजिनेशन है, इन सब चीज़ों को ये रद्द करता है। इसकी जो पहली इकसाम है वह आमलाना करदार ओपिनेंट बिहेवियर। किसी महेज की गैर मौजूदगी में पैदा होने वाला करदार आमलाना कहलाता है, जो फर्द खुद से सर अंजाम देता है। तो दूसरी इसकी जो इकसाम है वो है कि गैर आमलाना करदार रिस्पोंडेंट बिहेवियर, के किसी भी स्टिमुलस के रिस्पांस में उसके रद्द अमल के तौर पर जो करदार पैदा होता है वो गैर आमलाना होता है। तो जब कोई महेज हमारे सामने मौजूद होगा, ठीक है, अब दो यहाँ पर आमलान ओपिनेंट बिहेवियर और रिस्पोंडेंट बिहेवियर। अब मिसाल के तौर पर कि कोई शख्स है, वो कहीं सैर पर जाता है, तो वहाँ से वो कोई चीज़, अब बच्चा वहाँ पर जाता है तो बच्चा वहाँ पर कोई चीज़ देकर आ जाता है, जिस वो वहाँ पर साइकिल देकर आ जाता है। अब वो घर में आता है, लेकिन वो जो महेज है, वो जो स्टिमुलस है, वो साइकिल इस वक्त मौजूद नहीं उसके पास, मगर उसको जब याद आता है तो वो ज़िद करता है, वो उसी चीज़ को जो उसने देखा था, जो सीन, जो चीज़ उसने परसेप्ट की थी, उसकी ही डिमांड करता है यहाँ पर। क्यों? लेकिन वो महेज, वो स्टिमुलस इस वक्त मौजूद नहीं है। तो दूसरी किस्म के स्टिमुलस जो महेज है, कि जो मौजूद हो, जो सामने हो, जो हमारे पास हो, दूसरी ये दो इकसाम हैं। तो स्किनर ने अमोजी से मुतल्लक बहुत से मसाइल पर तहकीक की, जिनमें सबसे अहम नुक्ता तकवीयत का है। तो उसने तकवीयत की इकसाम और इनकी अफादियत से मुतल्लक भी बयान किया। उसने तकवीयत की मुख्तलिफ इकसाम, जिसमें बुनियादी, सानवी और मुस्बत मनफी तकवीयत को तजर्बा से वाजिया किया, और इन तजर्बात के लिए तकवीयत के जदूल भी मरतब किए। स्किनर के असूल तकवीयत का अमली इतलाक हर शोबा ज़िंदगी में कामयाबी से किया जा रहा है। तो इसने ये जो मुस्बत और मनफी तकवीयत है, ठीक है जी, ये रेनफोर्समेंट है, पॉजिटिव और नेगेटिव, कि अगर कोई बच्चा है, हमने मिसाल के तौर पर अब आप देखने के, अगर आपने किसी बच्चे को किसी खेल में अब एथलीट बनाना है दौड़ में, तो आप बच्चे को कहें कि जी हम आपको चॉकलेट लेकर देंगे, ठीक है जी, तो आप ये इतनी दौड़ लगाएं, 1 किलोमीटर लगा लें या 10 किलोमीटर लगा लें, तो हम आपको जो एक चॉकलेट देंगे, तो वो बच्चा दौड़ लगाएगा। तो अब आप उसको रेनफोर्स दिए जा रहे हैं, तो वो क्या है जी, वो दौड़ लगाई जा रहा है, क्या है कि ये पॉजिटिव रेनफोर्समेंट है। तो अगर आप उसकी आदत छुड़ाना चाहते हैं, तो आप उसे जो है वो डांटेंगे, उसको गुस्सा होंगे, ठीक है, उसके ऊपर उसकी वो उसे कहें जी कि अब आप दौड़ छोड़ दें, ठीक है जी, तो वो आप उसे कहें जी अगर आप नहीं छोड़ेंगे तो हम आपको जेब खर्च नहीं देंगे, हम आपको चॉकलेट नहीं देंगे, हम आपके साथ बोलेंगे नहीं, हम आपको मोबाइल नहीं लेकर देंगे, या उसे मोबाइल है तो उसे मोबाइल ले लेंगे वापस। तो क्या है कि आप उसके ख़िलाफ़ नेगेटिव जो है वो मेथड यूज़ करेंगे, जो आप वो नेगेटिव मेथड यूज़ करेंगे तो वो नेगेटिव रेन मिनट होंगे। तो दोस्तों ये था आज का टॉपिक।